एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने अगले सक्सेस की तलाश में रहता है। जब भी किसी अच्छे बिजनेस का मौका आता है तो पूरी प्लानिंग के साथ वो उस पर काम करता है, उस मौके को जाने नहीं देता। अगर हम होटल बिजनेस की बात करें तो एक होटल खोलना सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी करना, उसमें कई सारे कमरे बनवाना और लोगों को चेक इन करने के लिए चार्ज करना नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है। आज टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री दिन दुगुनी और रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है। ऐसे में होटल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ट्रैवलर जब अपने कमरे में चेक इन करे तो आरामदायक महसूस करे। बेस्ट होटल अपने गेस्ट्स पर फोकस करता है। एक होटल बिजनेसमैन के रूप में आपकी रेपुटेशन आपके होटल के गेस्ट के सेटिस्फेक्शन पर निर्भर करती है। आज तो ऑनलाइन रिव्यू के युग में कोई भी व्यक्ति किसी भी होटल के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक कुछ भी कहने के लिए ऑनलाइन जा सकता है। ऐसे में आपके होटल का रिव्यू अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में टिक पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक होटल बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसमें सक्सेस पाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक सपोर्ट स्वागत करता है आपका आपके अपने चैनल में। तो चलिए जानते हैं कि एक नया होटल खोलने के लिए क्या करना चाहिए। नंबर वन, एक प्लान तैयार करें। हर नया बिजनेस एक प्लान से शुरू होता है, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए शुरुआत में एक प्लान की जरूरत होती है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको इस चीज का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आप किस तरह के मार्केट में एंटर कर रहे हैं और आगे आपको किन किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी होटल में कैसे काम होता है जैसे चीजों से पहले ही परिचित नहीं है तो जितना संभव हो उतना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में सीखने के लिए गहराई से पढ़ें और नॉलेज इकट्ठा करें। एक होटल को सफल बनाने के लिए कौन कौन से चीजें काम में आती हैं और किन किन कारणों से एक होटल बिजनेस डूब जाता है, इन सब का पता लगाएं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में जानें और उसके लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहें। आपको पता होना चाहिए कि आपके होटल में किस प्रकार के लोग रहेंगे और आप उन्हें अपने होटल में अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। सोचे कि आप अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट्स कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। एक सही मार्केटिंग प्लान लोगों को आपके होटल के कमरे बुक करने के लिए प्रेरित कर सकता है। नंबर टू, होटल के टाइप को चुनें। कई प्रकार के होटल होते हैं, आप होटल के किस टाइप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको इस पर विचार करना होगा। बुटीक होटल्स छोटे होते हैं, ये अक्सर किसी ऐतिहासिक इमारत में हो सकते हैं या किसी दूसरे बिजनेस से कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं। फैमिली होटल्स इस बात पर केंद्रित होते हैं कि उन्हें पूरे परिवार के लिए किस तरह से फैमिलियर बनाया जाए। इन होटलों में आमतौर पर बड़े कमरे, ज्यादा बिस्तर और स्विमिंग पूल होते हैं और ऐसे होटल्स के लोकेशन अक्सर पार्क जैसी जगह के आसपास होता है ताकि ज्यादा फैमिली अट्रैक्ट हो। बजट होटलों में कमरों के रेट कम होते हैं, लेकिन इसके साथ ही उस होटल की फैसिलिटीज भी लिमिटेड होती है। बजट होटलों को बनाने में भी कम खर्च किए जाते हैं, जिस कारण उसमें शोर बहुत रहता है। अक्सर एक कमरे की आवाज दूसरे कमरे में सुनाई देती है। बजट होटल आमतौर पर उन गेस्ट के लिए बनाए जाते हैं जो ज्यादा महंगे होटल में नहीं रुक सकते। हालांकि आजकल बजट होटल में भी फैसिलिटीज सुधारी जा रही हैं। इन सब के अलावा लग्जरी होटल भी होते हैं जो अक्सर 4-5 स्टार रेटेड होते हैं, जो अक्सर महंगे ही होते हैं। हालांकि इतने महंगे होने के बदले में उन्हें ज्यादा सुविधाएं और सेवाएं दी जाती हैं, जिससे गेस्ट सेटिस्फाई होते हैं। लग्जरी होटल में आमतौर पर रूम सर्विस, स्पास, एक दरबान जैसी सुविधाएं मिलती हैं। तो आप किस तरह का होटल डिजाइन करने की सोचते हैं, ये आपके पूरे बिजनेस पर इफेक्ट डालता है। एक बार आपने किसी एक टाइप का होटल बना लिया तो उसके बाद दूसरे टाइप के होटल में उसे कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप होटल डिजाइन करने से पहले खूब रिसर्च करें और फिर निर्णय लें। नंबर थ्री, डिसाइड करें कि आप होटल खरीदना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। एक होटल को शुरू करने से बनाने का फायदा ये है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार उसमें चीजें जुड़वा सकते हैं जो आप अपने होटल में देखना चाहते हैं, जिससे आपको लगता है कि लोग अट्रैक्ट होंगे। हालांकि एक होटल को बनवाने की लागत बहुत ज्यादा पड़ जाती है और ये लोकेशन पर डिपेंड करता है, और अगर आप कुछ पैसे बचाने की चाहत रखते हैं तो बना बनाया होटल खरीदना एक दूसरा ऑप्शन है। ये भी पूरी तरह लोकेशन पर निर्भर करता है कि एक बना बनाया होटल आपको कितने पैसे में मिलेगा। नंबर फोर, होटल परमिट और लाइसेंस बनवाएं। अपना होटल जहां खोलने का सोचा है वहां के लोकल गवर्नमेंट से आपको कई तरह के लाइसेंस और परमिट लेने होंगे। लाइसेंस प्राप्त करने की लागत आपके बिजनेस के साइज पर निर्भर करती है। अगर आपने लोकेशन डिसाइड कर ली है और आपकी बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं, तो परमिट के लिए जल्द आवेदन करना उचित है क्योंकि उन्हें अप्रूव होने में काफी समय लग जाता है। नंबर फाइव, फंडिंग। ज्यादातर लोग होटल के सपने को धन की कमी के कारण पूरा नहीं कर पाते, और जब आप एक होटल बिजनेस करने की सोचते हैं तो फंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है।
सबसे पहले अपने होटल का मॉडल बनाएं और कैलकुलेट करें कि कितना बजट लगेगा अपने मन का होटल खोलने में। जब आपको क्लियर होगा कि आपको कितने रुपए की कुल जरूरत है, तो आप तीन तरीकों से इस पूंजी का इंतजाम कर सकते हैं ताकि अपना होटल खोल सके। फर्स्ट है सेल्फ फंडिंग। अगर आपके पास बैंक में पर्याप्त पैसा है तो बधाई हो, आपने होटल खोलने की पहली बाधा पार कर ली। साझेदारी में होटल खोलना भी एक अच्छा विचार है, क्योंकि ये निवेश के जोखिमों को कम कर सकता है। कोशिश करें कि आपके पास अपना पैसा ज्यादा हो, ताकि इंटरेस्ट पर कम से कम रुपए लेने पड़े और सारा प्रॉफिट आपका अपना हो। अगर आपके पास कुछ रुपए कम है तो सेकंड ऑप्शन के रूप में आप लोन ले सकते हैं, और आप चाहे तो फंड भी इकट्ठा कर सकते हैं अपने जानने वालों से। लेकिन इन दोनों ही तरीकों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको इंटरेस्ट देना होगा या फिर एक फिक्स टाइम पर सारे रुपए उनके प्रॉफिट के साथ लौटाने होंगे। नंबर 6, स्टाफ को हायर और ट्रेन करें। आप अपने बिजनेस को अकेले नहीं चला सकते, उसके लिए आपको स्टाफ की जरूरत होगी। होटल चलाने के लिए कई तरह के स्टाफ की जरूरत होती है। फर्स्ट डेस्क पर काम करने के लिए कमरों की सफाई, पार्किंग मैन, अगर होटल में ही आपने रेस्टोरेंट की भी फैसिलिटी रखी है तो उसके लिए अलग से कुक, शेफ, केशियर, इसके अलावा भी कई तरह के स्टाफ की जरूरत पड़ती है एक होटल को चलाने के लिए। नंबर 7, होटल का मार्केटिंग प्लान बनाएं। एक बार आपके पास सब कुछ सेट हो जाने के बाद आपको अपने होटल बिजनेस के लिए एक मार्केटिंग प्लान बनाना होगा, जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करेगा। अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको मार्केटिंग पर लगाना होगा, क्योंकि बिना मार्केटिंग और पब्लिसिटी के आपके बिजनेस से ज्यादा ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना इसके आपका होटल ज्यादा लोगों की नजरों में नहीं आ पाएगा, तो लोग इंटरेस्ट कैसे दिखाएंगे। मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां बहुत कम खर्च में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अपने होटल की सर्विस अच्छी रखें, ताकि लोग उसे अच्छी रेटिंग दें। आपको अपने होटल को हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, क्योंकि आज ऑनलाइन बुकिंग का जमाना है, और अपने हर गेस्ट से आपके होटल को रेटिंग देने के लिए अनुरोध करें, ताकि लोग उन रेटिंग्स और रिव्यू के आधार पर होटल बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि एक सक्सेसफुल होटल खोलने के लिए किन किन चीजों पर ध्यान देना होता है। नंबर 1, लोकेशन। लोग हमेशा अपनी सहूलियत के हिसाब से होटल ढूंढते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या टूर प्लेस के आसपास होटल ढूंढते हैं। आपको अपना होटल शुरू करने से पहले लोकेशन का अच्छा ध्यान रखना होगा। नंबर 2, सुविधाएं। आपके होटल में कौन सी सुविधाएं गेस्ट को ऑफर की जाएंगी, यह आपके होटल बिजनेस की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। होटल में अपने बजट के हिसाब से आप सुविधाओं का इंतजाम कर सकते हैं, जैसे पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी, रेस्टोरेंट, पूल, ब्रेकफास्ट, डॉग फ्रेंडली रूम्स, वाइन टेस्टिंग आवर्स, बिजनेस रिलेटेड फैसिलिटीज। इससे न सिर्फ आपके गेस्ट खुश होंगे और अच्छी रेटिंग देंगे, बल्कि इससे मार्केटिंग टीमों को अपने होटल को प्रमोट करने के लिए ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, जिन्हें वो एडवर्टीजमेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 3, क्लीनलीनेस। ज्यादातर इंटरनेट पर जिन होटल की रेटिंग्स खराब होती है, उनकी वजह से साफ सफाई और हाइजीन की कमी ही होती है। कस्टमर्स अपने रिव्यू में इन दिक्कतों को लिखते हैं, इसलिए आपको अपने होटल की हाइजीन का विशेष ख्याल रखना होता है। होटल के रूम्स, बाथरूम और कॉरिडोर को साफ रखें, ताकि आपके रिव्यू में ये चीज ऐड हो सके। नंबर 4, फ्रेंडलीनेस। आपके होटल की छोटी छोटी चीजें भी गेस्ट को पसंद आ सकती हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा आपके होटल में ही रुकने की सोचते हैं या अच्छे रिव्यू देते हैं, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी आपका ही होटल रेकमेंड करते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि आपके गेस्ट छुट्टी मनाने के इरादे से या बिजनेस के काम से यहाँ आए हैं, तो उनको घर जैसे फीलिंग भी होनी चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी अच्छी चीजों में फ्रेंडली एनवायरमेंट भी शामिल है। आपको अपने स्टाफ को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि वो होटल में आने वाले सभी गेस्ट के साथ फ्रेंडली बिहेव करें। नंबर 5, सेफ्टी। अच्छी लोकेशन की तरह ही गेस्ट हमेशा इस होटल बुक करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखता है कि जिस एरिया में वो होटल बुक कर रहे हैं, वो एरिया सेफ्टी के हिसाब से कितना अच्छा है। आसपास होने वाला शोर या पुलिस के सायरन की आवाज आपके गेस्ट को सेफ्टी के हिसाब से चिंतित कर सकती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे सके। अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।